देखो डॉगी कहाँ घुस के बैठा है। वो द डिलीशियस पास्ता। कांट वेट टू ईट। अच्छा ऐसे ये बनाया है कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा तो अभी सोच प्रेस पेपर है दूर। अच्छा और ये कॉटन मोड पे करके हमने इसको हम ऐसे करेंगे, इसे चिपक जाएंगे सारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई नए व्लॉग में आपका फिर स्वागत है। आज मेरे वैसे मन किया ना, चलो यार फुल डे व्लॉग बनाते हैं। तो आज मौसम एक नंबर का मौसम हो रखा है, बारिश हो रखी है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं घर पे कुछ इंटरेस्टिंग। और अभी मैं सामान लेने जा रहा हूँ, और इधर दीशु अपना छाता लेके तैयार है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और इधर सामान कट रहा है, और ये देखो ये बनने वाला है पास्ता। ये क्या है? पास्ता फेवरेट है इसका। तो पास्ते में डालने के लिए कुछ सामान डालने के लिए मार्केट में जाना है हमने, तो वहीं जा रहे हैं। मैदे विशा जा रहे हैं। और निया भाई क्या बनने वाला बताओ? शेफ शेफ मिस्टर शेफ नहीं है, मिसी शेफ। तो दीशु तो ये क्या ले रखा आपने? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ देखो यार सही कह रही है, मैं नोट नहीं करता जी, जी दीशा सारी नोट करती है। ये क्या है? ये ईयर्स हैं। अच्छा ये दिशा के भी टू ईयर्स है, देखो ऊपर लगे हुए। ये देखो देखो टू ईयर यहाँ पे ये और टू और है, सिक्स ईयर्स हो गया आपके। अच्छा थ्री ईयर्स हो गए। थ्री ईयर्स कैसे हो गए? सिक्स ईयर्स हो गए। थ्री ईयर्स हो गए बेटे, तीन कान नहीं छः कान हो गए बेबी। और ये दिशा की स्कूटी है, इस पे सारा दिन इधर से उधर भागती रहती है, सारा दिन कभी इधर कभी यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से उधर, उधर से उधर, उधर से इस कमरे में ऐसे घूमती रहती है। दीशा हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिर बताओ? शॉप में क्या करने? अरे बेबी बारिश में तेज तेली करोगे, ठंड बहुत है बेबी। चलो फिर चलते हैं, गाड़ी में चलेंगे ठीक है ना। है तो पास में ही 200-300 मीटर पे, लेकिन बारिश है। क्या बेबी? वो नवनीत अंकल की शादी है क्या? अरे वो नवनीत अंकल की शादी नहीं है आज, थोड़ा सा इधर हो देख के। अब रुको बेबी एक मिनट रुकना, इधर देख, आराम से चलो। क्या कहाँ फूट गया बैलून? चलें फिर, अभी बैलून फूटा है वो। अच्छा पापा को चल रहा, चलो गाड़ी में चलते हैं, चलो है ना। भाई ठंड कितनी ज्यादा है भाई, अभी फरवरी इनको बारिश इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बारिश, लेकिन एक्साइटमेंट इसको बहुत है। छोटे जी अपने छोटे अम्ब्रेला लेने की देख। ठंड भी लग रही है, फरवरी का महीना चल रहा है तब भी इतनी ठंडी हवा चल रही है यार। उड़ रहा अम्ब्रेला। अच्छे से पकड़ो। तो भाई दिसंबर कह रहे हो, फरवरी का महीना चल रहा है तब भी इतनी ज्यादा ठंड है भाई साहब, कमाल। देखो डॉगी कहाँ घुस के बैठा है। वो कहाँ घुस के बैठा है? देखो ये ठंड से बच रहा है, देखो बेबी जैसे ठंड है ना, ये ठंड से बच रहा है, इसको ठंड लग रही है डॉगी को, देखो कैसे अंदर छुप के बैठा हुआ है। चलो आप भी चलो जल्दी जल्दी, हाँ ईयर छूट रहे हैं। और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है भाई, ठंडा ठंडा।
जा रहे हो दिशा? मुझे पता नहीं, आप बता दो फ्रेंड्स तो मैं जा लाऊं आपके साथ। कहती मुझे नहीं पता क्या सवाल लेने जा रहे हो, आप फ्रेंड्स को बता दो कि मैं तो साथ जा रहा हूँ बस, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना एंजॉयमेंट करिए। देखो इसके ईयर्स देखो कितनी सुंदर फ्रेंड है, देख फुल पैसा वसूल कर रही है भाई साहब। ये बोल रहा है मैं लंबेला, क्या मैं लंबेला बोल रहा है मैं क्या रही दिविशा नहीं बोल रही, इसका अम्ब्रेला बोल रहा है ये। भाई साहब क्या मजा आ रहा है यार। अपने अम्ब्रेले को ऊपर कर लो बेटा, बस हम शॉप पहुंचने वाले हैं। ऐसे ना पूरे हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है पंचकुला में भी। इतना चमक चमक रखा है, ऐसा लग रहा है कि शिमला शिमला गए हुए। ठीक है चलो रोड क्रॉस करते हैं, जल्दी जल्दी रुको, भागो 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 करो, भागो भागो करो, भागो 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 करो, भागो भागो। चलो भाई रोड क्रॉस हो गया, हम जा रहे हैं अब मार्केट में कुछ सामान लेने। मुझे पता नहीं है पर मैं छोटू सा बेबी हूं। जितनी छोटी बेबी है इससे ज्यादा छोटी बेबी बनने की कोशिश कर रही है। छोटे बच्चे ये होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो और छोटे बनने की कोशिश करते हैं। आप छोटा से सबसे छोटा बेबी बनूंगा अभी तो। हाँ कहते हो सबसे छोटा बेबी बनूंगा अभी तो, तो छोटे बन जाओगे। टिकट से पल्ला को ये इसका टिकट टीएसटी है तो नहीं से बड़ी है। क्या 3 इयर्स की है, मैं 4 इयर्स का हूं तो दित्या से बड़ा बेबी हूं मैं। चलो ठीक है संभाल लेते हैं। लो संभाल लो, चलो चलो वो वाली बूंदी उठाओ, इसके नीचे वाली, ये बूंदी नहीं ये वाली, हाँ उठाओ रख दो इसमें। चीज कौन सा ले बेबी? ये बटर ये वाले ले, मक्खन अमूल मक्खन ये ले लेते हैं यार, ये रखो यही ले लेते हैं और ये चीज ले लेते हैं। ठीक है ये भी रख लो, दोनों ले लो, चलो रख लो। फिर सामान ले लिया और दिशा ने भी अपना लॉलीपॉप ले लिया ना। ये मंकी वाला, ये जब भी जाती है मेरे साथ कुछ ना कुछ अपना जरूर खरीद लाती है, छोटा मोटा छोटा छोटा टॉय या कुछ खाने का। तो भाई अभी घर चलते हैं और व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता कौन सा? व्हाइट सॉस पास्ता जो मेरा बहुत फेवरेट है। इन द मीन टाइम हम लोग बाहर गए, ममता ने सब्जी कट कर ली थी, इधर प्याज लहसुन और उधर पास्ता बुल रहा है और कार्रवाई रचने की तैयारी हो रही है। और दीशु क्या लेके आई? बोलो चलो मैं रख लूंगा, ऐसे बोलो बोलो, अभी तो पास्ता खाऊंगा। नहीं तो मम्मा पास्ता नहीं, आज क्या बंद कर रहे। हाँ भाई अभी खाएगा तो पास्ता कब खाओगे? चलो पास्ता मत खाना है, पास्ता भी खाओगे ये भी खाओगे, ये दोपहर में खा लेना बेटा जब पास्ता खाने के बाद। ओए महारानी साहिबे का ये देखो पूरा किचन सेट, और ये दिशु क्या है, डॉल हाउस? इसके साथ खेलते भी हो हैं? क्ले के साथ नहीं, आप खेलते तो है नहीं, इसको रखे हुए हैं बस ऐसे ही। चलो मैं शूज निकालो, ये क्या है? थैंक यू तो बोल दो। अब इसको आप मंकी खाने वाले हो,
मंकी की ईयर्स खा लिए। तो भाई व्हाइट सॉस पास्ता की व्हाइट सॉस तैयार करते हुए नेहा क्या डाला है इसमें भाई? देसी घी 2 चम्मच। ओके, दूध और तड़का, तड़का भी बनेगा। तो अभी ये व्हाइट सॉस तैयार हो रही है और वो लोग पक रहे हैं। क्या देना है मेरे को? सीजनिंग, इसमें सीजनिंग डालनी है। इसमें क्या क्या डालेगा? रेड चिल्ली और वो ओरिगैनो जो है ना, ओके ओरिगैनो, और ये डाल दी रेड चिल्ली। इससे क्या फर्क पड़ता है मैडम? ओ माय गॉड, खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई इससे, थोड़ी थोड़ी। और इधर से ब्लैक पेपर भी आएगा है ना। मजा आने वाला है भाई। तो ये व्हाइट सॉस रेडी हो गया है। इधर हमने अलग से ले लिया कढ़ाई, इसमें हम लोग लगाएंगे तड़का। और ये जो सामान मैं दिव्य से लेके आए हैं, बटर और चीज़, ये भी डलेगी इसमें भाई। और ये पास्ता निकलता हुआ। तो भाई आप क्या कर रहे हो? उधर तो पास्ता बन रहा है, आप क्या बना रहे हो दिव्या? अरे ये क्या है? डॉगी। अरे वाह, क्या बार के दिखा दे ड्रा दिया। वही तो चल रहा है मैच। ये क्या है? ये कैट है। देखो भाई ये है डॉगी, ये कैट। ये देखिए कैसे उधर लग रहा है। तो भाई ये चीज क्यूब इसमें डलते हुए, व्हाइट सॉस पास्ता के अंदर चीज भी डलता है, मतलब हम डाल रहे हैं। और ये 3 चीज क्यूब है जो हम डालने वाले हैं। देखो कितना सही लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज से इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। क्या मैंने सही बोला नेहा? वाह जी वाह। और साथ साथ ये गैस चला दिए इधर, तड़के की तैयारी है। नहीं, इसमें प्याज कम डाले हुए। प्याज क्या कम डलते हैं? प्याज कम है, सब्जी ज़्यादा है ना। ओके, सब्जी कहीं ज़्यादा, इसलिए प्याज थोड़े छोटे छोटे और कम है। और लहसुन भी है, लहसुन से मुझे लगता है टेस्ट इसका और अच्छा था। देखो गाइस, व्हाइट सॉस में गार्लिक का टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर लहसुन और प्याज डाल दी इसमें। इनको हल्का हल्का फ्राई करना है। इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे है ना। हल्का सा, इतना सा फ्राई करना है कि इसका कच्चापन चला जाए 2-3 मिनट के लिए। पूरी सब्जी डल गई है इसमें। और कितने मिनट फ्राई करेंगे इसको मैडम? 4-5 मिनट फ्राई होएगा। उसके बाद फिर ये इसमें डलेगा ना, फिर पहले पास्ता डलेगा इसमें, उसके बाद ये व्हाइट सॉस डलेगी, फिर हमारा द डिलीशियस पास्ता बन के तैयार हो जाए। उसके बाद मुझे लगता है ये डलेगा चीज़ ना बनने के बाद। देखो गाइस, इसमें धनिया सॉल्ट 2-3 चम्मच है। और ये ब्लैक पेपर इसमें भी यूज हुआ, ब्लैक पेपर इसमें डला था, इसमें भी डल रहा है। क्या कर रहे हो बता दो? सब्जी बना रहे हो? सब्जी कट कर रहे हो? पक्की है। और इसमें डाला जा रहा है पास्ता। ये तो मिक्स हो गए हैं। और इसके बाद इसमें डलेगा व्हाइट सॉस, मतलब जो भी व्हाइट सॉस थी, क्या बोलेंगे इसको नया? व्हाइट सॉस। और इसमें क्या मस्त लग रहा है भाई साहब, देखने में तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। इस पेपर जाएगी अब चीज,
जो हमने एक ग्रेट करके रखी हुई थी अलग से, ग्रेट करके रखी हुई थी अलग से। द डिलीशियस पास्ता, कांट वेट टू ईट, बस जल्दी बन जाए। मुझे लगता है एक दो मिनट और लगेंगे नया, है ना। हाँ बन रहा है, और इधर भी चॉपिंग चल रही है, देखो कितने अच्छे तरीके से दीवी से चॉपिंग कर रही है। वाह जी वाह यार, इतने अच्छे चॉपिंग कैसे कर लेते बेबी। उस पास्ता के साथ बनेगा ऑरेंज जूस, मतलब किन्नू ऑरेंज जो भी बोल दो। तो ये सीजनल फ्रूट है, तो सीजनल चीज़ें खानी चाहिए, मतलब सस्ती भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं, फ्रेश भी होती हैं। तो हमने वैसे बनाए नहीं कभी अभी घर पे, अभी ट्राई कर रहे हैं। बनाया अच्छा दिविशा के लिए बनाया, हाँ पीछे से। तो अभी ऑरेंज जूस बना रहे हैं साथ में, तो वाइट सॉस पास्ता पास्ता के साथ जाएगा ऑरेंज जूस। वाह जी वाह, उस पास्ता से पहले हम खाएंगे दिविशा की ये ग्रीन रोटी, ये और साथ में कैरेट। दिशु बेबी बहुत बहुत टेस्टी बनाया आपने, वो देखो दिविशा की रोटी सब, ये देखो देखो, अरे वाह वाह। जूस, वाइट सॉस पास्ता और दिशा, वाह जी वाह, जैसा एक्सपेक्टेड था उससे भी अच्छा। जूस ट्राई करते हैं, चीयर्स। आप कैसे लगा नया टेस्टी दिवस, आपको कैसे लगा बेबी टेस्टी? ना मस्त है भाई। अंता कैसे लगा? क्या और मेरी लड़ाई थी, डिश 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 ऐसे कौन खाना खाता है भाई। ये तब से ऐसे खाना खा रही थी जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, ये सीधी होगी, अच्छा फिर ऐसे होगी। देख भाई आजकल के बच्चों को खाना खिलाने का ये तरीका देखो। एक आधे फोन और कुछ यार, ये उंगली नहीं करनी यार इसको, देखो ऐसे कर रही है बेटा, ऐसे चल ऐसे कर दो। चलो ये कैसे बना? अच्छा ये डोगे चिपक गए, अरे वो अच्छा यहाँ से बनाया। ओके ये देखो ये डोगे बनाया, अच्छा ऐसे ये बनाया कहाँ पे? अच्छा तो अभी सोच, अच्छा चिपक जाएंगे सारे। ओके तो ये फिर हटेंगे नहीं अलग से, ये कैसे तो? नहीं फिर ये हटेंगे नहीं, ऐसे पक्का बन जाएंगे। अच्छा ये तो चिपक गए पूरे भाई, ये देखो मतलब प्रॉपर डोगी बन गए, जो डोगी को हटा ही नहीं सकते। देखो देखो ये तो पहली बार देखा है डोगी, पक्का डोगी बन गया इनसे, देखो ये देखो इन चीजों से। हाँ अरे ये तो परमानेंट डोगी बन गया भाई मेरे बेबी का, देखो हैं अब ये क्या बनने वाला है,
ठीक है? They don't know कि क्या है ये। अच्छा यहाँ से बनाया है? ये इमेज बनी हुई थी तो हमने उसको प्रॉपर इस, इससे पेस्ट किया है। ये बनाया है। तुम्हें समझ आया ये राइनो है, बुलडॉग जैसा भी लग रहा है इसका लुकआउट ऐसे यहाँ से देखो। ये बुलडॉग भी लग रहा है, कुछ तो लग ही रहा है, लेकिन ये डॉगी जरूर लग रहा है। देखो ये भी बन गया, देखो देखो ये चुप गया। तुम तो कलाकार हो भाई लड़की। तो भाई आज का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा और अभी टाइम बजे हैं 9, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड और बाय।